हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में सिर्फ बुक पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना ये काफी नहीं होता है। हमें उसका प्रैक्टिस भी करना उतना ही जरूरी है जितना कि चीजों को पढ़ना, इन्फॉर्मेशन को याद रखना। और जब हम मॉक पेपर लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारी कमी है, किस चीज पे फोकस करना है। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट को आपको रिवाइज करने की जरूरत है, पूरे जीएस में आप कहां पे लैग कर रहे हैं, कहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एनवायरनमेंट आपका वीक है तो एनवायरनमेंट पे फोकस करना है। अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं हैंडल हो रहे हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज्यादा डील करना होगा। तो लेकिन मॉक टेस्ट पेपर लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से मॉक टेस्ट पेपर करना है? एक तो तरीका होता है कि बस ऐसे क्वेश्चन देखे और उसका आंसर देख लिया और लगा कि हाँ हाँ ये तो आता है। और दूसरा तरीका हुआ कि क्वेश्चन पेपर को एकदम एग्जाम लाइक कंडीशन में लेके बैठे और उसको सॉल्व किया, फिर उसके आंसर्स को देखा, आंसर्स को देख के उसको एनालाइज किया कि मुझे कौन सा पॉइंट इसमें नहीं आता था, कौन सा पॉइंट मुझे दोबारा करने की जरूरत है। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक को आपको एनालाइज करने का समझना होगा कि किस तरह से उसको एनालाइज करना है। तो इस पे एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर और रियल एग्जाम में भी क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात किया गया है, यानी कि जो नेट प्रैक्टिस है और ओरिजिनल मैच है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मॉक पेपर को कैसे सॉल्व करना है उसको भी देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको उससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, मॉक पेपर अगर आप नहीं लगाते हैं, किसी भी कोचिंग का आप लगा सकते हैं, विजन आईएएस का लगा सकते हैं, इनसाइट्स का लगा सकते हैं या कोई भी कोचिंग का आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको 30-35 कम से कम एक पूरा सेट आपको कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपके आपका जो प्रीलिम्स का पूरा प्रिपरेशन है वो मैच्योर होगा और आप अच्छे से एग्जाम को हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज आधे नंबर से, एक नंबर से प्रीलिम्स जब छूट जाता है तो पूरे एक साल इंतजार करना पड़ता है अगला प्रीलिम्स देने के लिए और वो बहुत पेनफुल होता है। सो बी केयरफुल एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो। थैंक यू।